तो दोस्तों फाइनली Redmi Note 8 Pro लॉन्च होने वाला है चाइना में 29 अगस्त को, और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। और दोस्तों फोटो में देखकर ये पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड कैमरा का सपोर्ट, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल सैमसंग ISOCELL का सेंसर। जैसा कि दोस्तों फोटो में मेंशन किया गया है कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का कैमरा। और दोस्तों ये वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का कैमरा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरे से, जो कि सबसे हाईलाइट फीचर है इस स्मार्टफोन की। तो दोस्तों बैक साइड में आपको Realme 5 Pro के जैसे ही देखने को मिलने वाला है क्वाड कैमरा का सपोर्ट, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल सैमसंग ISOCELL का सेंसर। और उसके साथ ही दोस्तों ये वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है और साथ ही में Redmi का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का ट्रू कैमरा। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको तीन कैमरा और देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की डिजाइन की, तो दोस्तों बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है Redmi K20 की जैसा ही डिजाइन, जो कि आने वाला है बहुत ही बेहतरीन ग्लास फिनिशिंग के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें दोस्तों फ्रंट साइड की, तो यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है 6.39 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन आने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, जो कि होगा 32 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों प्रोसेसर कंफर्म हो चुका है कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है गेमिंग प्रोसेसर, जो कि होने वाला है MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर है। और इस स्मार्टफोन में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पबजी, फोर्टनाइट, अस्पाल जैसे गेम खेल पाएंगे। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 5000mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि MIUI 10 के साथ आने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाला है वो होने वाला है 13-14,000 रुपीज के करीबन बेस वेरियंट की, जो कि आने वाला है 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और इस स्मार्टफोन में आपको हायर वेरियंट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है 8GB RAM 256GB, वो देखने को मिलने वाला दोस्तों आपको 19-20,000 रुपीज के करीबन। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को चाइना के अंदर 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों सितंबर के महीने में इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन, हमें कमेंट करके जरूर अपना राय दे। एंड फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था बताने के लिए, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड आई हैव अ ग्रेट डे।